धर्म के ग्रंथ में लिखा है कि अपने राशि के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करना शुभ फलदायी होता है। इस तरह पूजा करे से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां दूर होती हैं। नंबर एक, मेष राशि वाले जातकों के मंगल देव ग्रह देवता है और श्री राम और हनुमान जी मुख्य देवता हैं। हनुमान जी की पूजा करने से मेष राशि के जातकों की सभी इच्छाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मेष राशि के जातक अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में कोई बड़ा कष्ट नहीं आता है और यदि कोई कष्ट चल रहा है तो हनुमान जी की पूजा करने से उनके जीवन में चल रही समस्याएं और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मेष राशि के जातक अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में धन संबंधित समस्या भी कभी नहीं आती है। मेष राशि वालों को हनुमान जी का व्रत करना चाहिए। हनुमान जी का व्रत मंगलवार के दिन किया जाता है। देवियों में भगवती तारा, नील सरस्वती और माता शैलपुत्री है। दो, वृष राशि के शुक्र देव ग्रह देवता है और मुख्य देवता श्री हरि विष्णु है। शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि वाले शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें तथा पीपल वृक्ष के नीचे फूल अर्पित करें। ऐसा करने से हर समस्याएं दूर हो जाती हैं। देवियों में माता लक्ष्मी इस राशि की देवी है। वृष राशि के जातक अगर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में कोई बड़ा कष्ट नहीं आता है और यदि कोई कष्ट चल रहा है तो माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनके जीवन में चल रही समस्याएं और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वृष राशि वालों को लक्ष्मी माता का व्रत करना चाहिए। लक्ष्मी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। तीन, मिथुन राशि आपकी राशि के बुध देव ग्रह देवता है और गणेश जी और विष्णु जी मुख्य देवता हैं। मिथुन राशि के स्वामी गणेश भगवान होते हैं। मिथुन राशि वालों को गणेश भगवान की पूजा करने से लाभ प्राप्त होता है, इसलिए मिथुन राशि के जातकों को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। मिथुन राशि वाले अगर गणेश भगवान की पूजा करते हैं तो उनको कभी भी तनाव और डिप्रेशन नहीं होता है। देवियों में माता दुर्गा भुवनेश्वरी और माता चंद्रघंटा इस राशि की देवियां हैं। कर्क राशि आपकी राशि के ग्रह देवता चंद्रमा है और मुख्य देवता शिव जी और विष्णु जी है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और इनकी पूजा से विशेष फल मिलता है। ये जातक तीव्र बुद्धि का होता है। इष्ट देव की पूजा करने से कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह दोष क्यों ना हो, अगर इसलिए प्रसन्न है तो यह सभी दोष व्यक्ति को अधिक परेशान नहीं करते। कर्क राशि के जातकों को सोमवार का व्रत करना चाहिए तथा गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। यदि व्रत रखना संभव न हो सके तो शिव जी पूजा जरूर करें। देवियों में माता कमला और माता सिद्धिदात्री इस राशि की देवियां हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के ग्रह देवता सूर्य देव है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, इसलिए उनके इष्ट देव हनुमान जी और मां गायत्री हैं। इस देव की पूजा करने से यह फायदा होता कि कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह दोष क्यों ना हो, सिंह राशि वाले अगर सूर्य देव की पूजा करते हैं तो उनको कभी भी मानसिक तनाव और डिप्रेशन नहीं होता है। माँ उनके मजबूत बनता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ होकर अपने घर में मंदिर में सूर्य देव की प्रतिमा के सम्मुख देसी घी का दीपक जलाए। देवियों में माता गायत्री पीताम्बरा और माता कालरात्रि हैं। कन्या राशि आपकी राशि के ग्रह देवता बुध देव है और मुख्य देवता गणेश जी है, इसलिए इस राशि वाले लोगों को बुधवार के दिन बुध ग्रह का उपवास रखना चाहिए। जब कन्या राशि जातक बुधवार के दिन व्रत करते हैं तो उनकी जिंदगी से सारी कठिनाइयों से दूर हो जाती है। कन्या राशि वाले लोग जब बुध ग्रह का व्रत करते हैं तो उनके जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और अच्छी शक्तियां आती है और बुरी शक्तियों दूर हो जाती है। देवियों में माँ दुर्गा भुवनेश्वरी और माता चंद्रघंटा इस राशि की देवियां हैं। तुला राशि इस राशि शुक्र देव ग्रह देवता है। शुक्र ग्रह कला, प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण का कारक होते हैं। कुंडली में उनकी स्थिति मजबूत होने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। ये जातक अपनी मेहनत के बल पर सफलता भी हासिल कर लेते हैं। देवियों में माता लक्ष्मी ब्रह्मचारिणी और षोडशी श्री विद्या इस राशि की देवियां हैं।
वृश्चिक राशि आपकी राशि के मंगल देव ग्रह देवता है और श्री राम और हनुमान जी मुख्य देवता है। वृश्चिक राशि का संबंध मंगल ग्रह से है, इसलिए जातकों को मंगलवार के दिन पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत रखना। इससे कुंडली में स्थित मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है और व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलने लग जाती है। देवियों में भगवती तारा और माता शैलपुत्री इस राशि की देवियां हैं। धनु राशि आपकी राशि के ग्रह देवता बृहस्पति देव है। धनु राशि स्वामी ग्रह गुरु है और इष्ट देव विष्णु जी और लक्ष्मी जी है, इसलिए धनु राशि के जातकों को विष्णु जी और लक्ष्मी जी को अपना इष्ट देव मानकर पूजा पाठ करनी चाहिए ताकि उन्हें सुखी जीवन प्राप्त हो। इन लोगों को गुरु ग्रह से संबंधित वस्तुएं जैसे पीली चीज, दूध देने वाली गाय, लाल वस्त्र, तांबा, केसर, मूंगा का दान करना चाहिए। देवियों में माता लक्ष्मी, कमल और माता सिद्धिदात्री इस राशि की देवियां हैं। मकर राशि आपकी राशि के ग्रह देवता शनि देव है। मकर राशि वाले अगर शनि देव की पूजा करते हैं तो इनको शादी से जुड़ी समस्या समाप्त हो जाती है। देवियों में मां काली और माता सिद्धिदात्री आपकी राशि की देवियां हैं। कुंभ राशि आपकी राशि के ग्रह देवता शनि देव है। विष्णु मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में परेशानियां दूर होती है, आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन लाभ होता है। इस राशि का स्वामी शनि होने के कारण नीलम रत्न धारण करने से शुभ होता है। कुंभ राशि के लोग दिखने में सांवले रंग के होते हैं। इस राशि के लोग ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, उनको प्रतिदिन गणेश जी का पूजा करनी चाहिए। देवियों में माँ काली और माता सिद्धिदात्री आपकी राशि की देवियां हैं। मीन राशि की राशि के ग्रह देवता बृहस्पति देव है। मीन राशि के जातकों को माता लक्ष्मी, कमल और माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है और हर प्रकार की कठिनाइयां दूर होती हैं।